कानपुर में हटिया में लगभग 100 साल पुराना मकान गिरा। देर रात तक मलबा हटाने के लिए पुलिस प्रशासन जुटी, सेना की टीम मौके पर पहुंची। कानपुर में लगातार हुई बारिश से एक चार मंजिला मकान धराशायी हो गया। शहर के हटिया इलाके में लगभग 100 साल पुराने इस मकान के गिरने से उसके मलबे में एक माँ और बेटी दब गई। मकान में रामचंद्र गुप्ता का परिवार रहता था। घर के बाकी लोग तो मकान गिरने से पहले बाहर आ गए, लेकिन माँ बेटी उसमें फंसी रह गईं। शहर का प्रशासन, फायर विभाग सब मलबा हटाने में लगे रहे। सेना की एक टीम भी मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंची। कानपुर SSP का कहना है कि हमारी टीम मलबा हटाकर माँ बेटी का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में हटिया में लगभग 100 साल पुराना मकान गिरा। देर रात तक मलबा हटाने के लिए पुलिस प्रशासन जुटी, सेना की टीम मौके पर पहुंची। कानपुर में लगातार हुई बारिश से एक चार मंजिला मकान धराशायी हो गया। शहर के हटिया इलाके में लगभग 100 साल पुराने इस मकान के गिरने से उसके मलबे में एक माँ और बेटी दब गई। मकान में रामचंद्र गुप्ता का परिवार रहता था। घर के बाकी लोग तो मकान गिरने से पहले बाहर आ गए, लेकिन माँ बेटी उसमें फंसी रह गईं। शहर का प्रशासन, फायर विभाग सब मलबा हटाने में लगे रहे। सेना की एक टीम भी मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंची। कानपुर SSP का कहना है कि हमारी टीम मलबा हटाकर माँ बेटी का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना कहाँ हुई, क्या पूरा मामला? ये घटना हमारे क्षेत्र वार्ड 104 जनरलगंज में हटिया क्षेत्र में हुई है, मकान नंबर 47/93 में। और चूंकि पिछली काफ़ी समय से जर्जर पड़ा हुआ मकान था, कल की बारिश के बाद ये मकान अचानक से ढह गया। इसमें जहां तक दो लोग दबे होने की सूचना है। मौके पर पुलिस भी है और फायर भी है। कितने साल पुराना था मकान? लगभग ये मान के चलिए पुरानी, यहाँ हमारे क्षेत्र में आधी से ज़्यादा जितने भी मकान हैं 100-100 साल, 200-200 साल पुराने मकान हैं, और आधे से ज़्यादा मकान इस पोजीशन में है कि गिरने लायक हैं। कितने परिवार रहते थे इसमें? 3-4 परिवार, एक ही मतलब 4-5 भाइयों के परिवार रहते थे, जिसमें एक परिवार के 2 लोग उसमें दबे हुए हैं। हाँ, अभी इस मकान को गिरने के बाद दब गए। क्या मामला है, कहाँ पे घटना हुई है? ये हटिया में बावन मंदिर के पास एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसका कुछ हिस्सा जर्जर था, वो आज सुबह गिर गया था, तो बाकी परिवार ने खाली कर दिया। 2 लोग उस बिल्डिंग में थे, अभी वो बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा गिर गया है, तो आशंका है कि वो 2 लोग उसके अंदर दबे रह गए हैं। उसके रेस्क्यू के प्रयास चल रहे हैं, प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग आ चुके हैं। सर, आज क्या घटना हुई है, कहाँ पे? देखिए, आज मूलगंज थाना क्षेत्र में एक जो जीर्ण शीर्ण मकान था 3-4 फ्लोर का, वो आज भारी बारिश के कारण उसमें सुबह में ही दरार आ गई थी, उसके बाद वो मकान गिर गया, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना थी। उन दोनों माँ बेटी की बहुत प्रयास किया गया, हमारा प्रयास था कि उनको ज़िंदा निकाला जाए, लेकिन उनको निकाल के अभी एम्बुलेंस में भेजा गया है। प्रथम दृष्टा लग रहा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स को दिखा के उसके बाद फाइनली आगे का डिसीजन लिया जाएगा। इसमें हमारी पुलिस की रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम, और नगर निगम की, और प्लस इसके अलावा SDRF की हमारी टीम लगातार पिछले 3-3.5 घंटे से सब लोग प्रयासरत थे। अब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, उन दोनों को निकाल लिया गया है, जो बाकी मकान जो डेंजरस है उसको जो डैमेज करना है या रिमूव करना है, उसका कार्य चलता है।